अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, उसके बाद जी आपके फेस के ऊपर एक्ने के स्पॉट्स बन जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है ताकि आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकें, वीडियो का एक पॉइंट आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो चलिए जी हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों से रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एक्ने क्योर मेडिकेटेड क्रीम का, जो कि है होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपको इस बात का आइडिया होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन उसको कहते हैं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर हम उसके फ़ायदा उसका नहीं हो रहा तो हमें उसका ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की सबसे अच्छी बात होती है, आप लोग उसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलते। हाँ जी, तो गाइस यहाँ पर हमारे पास एक्ने क्योर मेडिकेटेड क्रीम मौजूद है। इसके बारे में हम आज कम्प्लीट डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसकी प्राइस वगैरह मैंशन करेंगे, इसकी क्वान्टिटी की बात कर लेंगे, इसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स, इसके बेनिफिट्स, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर इसकी कुछ इस तरह की येलो कलर की पैकिंग में हमारे पास मौजूद होती है। इसके ऊपर मेंशन है कि हमारे पास ये बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात पर मुश्तमिल एक्ने क्योर मेडिकेटेड क्रीम, जो कि हमारे चेहरे से क्रीम हाथ से दाने दाग धब्बे और छाइयाँ दूर करती है। इस क्रीम के बाकायदगी से इस्तेमाल से जो ना रंगत साफ और चेहरा खूबसूरत दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम इस बॉक्स को थोड़ा सा टर्न आउट करें तो हमें इस तरह के यहाँ पर इसके इंग्रीडियंट्स वगैरह कम्प्लीट लिस्ट मिल जाती है, कौन कौन से इसके इंग्रीडियंट्स वगैरह मौजूद है। तो आप लोग यहाँ पर इसको पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग अगर लास्ट पर देखें तो आपको यहाँ पर इसकी प्राइस भी मैंशन हो रही होगी। आप लोग देख सकते हैं इसकी प्राइस जी 110 रुपीज़, मीन्स आप लोगों को 110 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर से आराम से अवेलेबल हो जाएगी। ये क्रीम बेसिकली एक्ने को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करती है। सबसे पहले जी एक्ने जो हो रही थी हमारे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर रही होती है मजीद, तो मीन्स के सबसे पहले तो हमारे फेस के ऊपर अगर एक्ने हो रही है तो सबसे पहले एक्ने स्पॉट्स बन जाते हैं, और एक्ने काफ़ी टाइम तक स्टे कर रही है, उसको हम लोग ट्रीट नहीं कर रहे तो वो एक्ने स्कार्स बन जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं और उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है। तो इसलिए अगर आप एक्ने को टाइम पर ट्रीट कर लें तो आप मजीद जो स्किन के इशूज़ होते हैं उनसे बच सकते हैं। हाँ जी, तो गाइस इसके बाद हम लोग इसको ओपन करके देख लेते हैं किस तरह की पैकिंग में हमारे पास मौजूद होती है। यहाँ पर इसको ओपन कर रही हूँ तो जी ओपन करने पर कुछ इस तरह की पैकिंग में हमारे पास मौजूद होती है। और सबसे पहले जी आप लोगों को बता दूँ ये ग्लास बॉटल है, प्लास्टिक बॉटल नहीं है, इसलिए आपने उसको थोड़ा सा केयर के साथ ट्रीट करना है। तो उसके बाद जी आप लोग इसकी पैकिंग वगैरह देख सकते हैं, येलो व्हाइट एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन में ये बहुत ज़्यादा क्यूट किस्म की इसकी पैकेजिंग है। तो इसके ऊपर भी सेम चीज़ें मैंशन है जो कि हमारे पास बॉक्स के ऊपर मैंशन है, सभी इंग्रीडियंट्स लिस्ट वगैरह और इसको यूज़ करना है, उसके बेनिफिट्स सभी कुछ इसके ऊपर मैंशन है। तो अब जी आप लोगों को दिखा दूँ इसके बाद जी इस बॉक्स में मजीद चीज़ें जो मौजूद है, हमारे पास इस तरह का पम्फलेट निकलता है जिसके ऊपर मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन इंग्रीडियंट्स के बारे में डिटेल्स वगैरह सब कुछ मैंशन है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको रीड आउट करके दिखा देती हूँ। इसके बाद जी मजीद इस ब्रांड की जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पर मैंशन की गई हैं। तो सबसे पहले जिसको हम रीड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इस प्रोडक्ट की मजीद इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि अगर आप इसको परचेज करने का सोच रहे हैं तो जो आपको इश्यूज़ यहाँ पर मैंशन किए गए, अगर आपको उनमें से कोई इशू है तो आप लोग इसको परचेज करें, बिल्ला वजह आपको अपने पैसे जो ना वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप मैं यहाँ पर रीड करती हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहले जिसके ऊपर जिल्द की बेहतरीन हफाजत के लिए मैंशन किया गया इसके बेनिफिट्स वगैरह, तो इसके ऊपर मैंशन है कैंट एक्ने क्योर मेडिकेटेड क्रीम इन बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात पर मुश्तमिल है, जो जिल्द से एक्जिमा, कील मुहासे, छाइयों और दाग धब्बे दूर करने में कोई अपना सानी नहीं रखती। इस क्रीम के मुसलसल इस्तेमाल से ना सिर्फ अपनी तकलीफ को खात्मा कर सकते हैं बल्कि आइंदा जिल्द इन तकलीफ से महफूज भी हो सकती है। चंद जिल्द साफ हो जाती है और इस पर कोई निशान भी बाकी नहीं रहता। ऐसे पीप दाने वाले जिनमें खारिश होती है और वो पकने लगे और वो खून जारी हो जाए, जिल्द को काट या खराश लग जाने की सूरत में भी फ़ायदेमंद है। कैंट एक्ने क्योर मेडिकेटेड क्रीम जिल्द को मौसमी असरात से महफूज रखती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल नेज धूप गिरदोबार से महफूज रखता है स्किन को, इसके बाद जी जबकि सर्द मौसम में जिल्द को कटने और फटने से बचाता है, मीन्स कि हमारे एक्ने जो ना स्किन ड्राई हो रही थी तो उसको भी अच्छे से मॉइस्चराइज करती है। इसके बाद इसके असरात की बात की गई है, कैंट एक्ने क्योर क्रीम में शामिल अद्वियात के असरात मुंदरजा झेल हैं। इसके बाद जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं सभी के नाम वगैरह मेंशन है और उनके अलग अलग से उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह मेंशन है कि वो इंग्रेडिएंट्स क्या काम करते हैं। तो आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं, मैंने इसके जो मेन बेनिफिट्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पर रीड आउट करके दिखा दिए हैं। अगर इनमें से कोई इशूज़ आपकी स्किन के ऊपर हो रहे हैं तो आप इसको क्रीम को जो ना अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी क्वान्टिटी की बात कर लें तो ये 20 ग्राम्स की पैकिंग हमारे पास मौजूद होती है। तो चलिए जी गाइस हम इसको ओपन करके देख लेते हैं किस तरह की कंसिस्टेंसी वगैरह में मौजूद होती है हमारे पास। सबसे पहले जब आप लोगों को इसको ओपन करके दिखा देती हूँ, लास्ट में मैं आप लोगों से इसको यूज़ करने का कंप्लीट मेथड भी शेयर करूँगी कि मैंने इसको किस तरह से यूज़ किया और मुझे इसके मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। तो सबसे पहले जी गाइस आप लोग यहाँ पे ओपन करने पे इसको देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी, मैंने इसको थोड़ी सी यूज़ की हुई अभी इस क्रीम में, मैंने इसकी फुल पैक जो ना एक कम्प्लीट खत्म कर लिया हुआ था, उसके बाद जब मैंने दूसरा इसको परचेज किया था तो अब मैं आप लोगों से इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ कम्प्लीटली इसको यूज़ कर लेने के बाद। तो ये जो है काफ़ी टाइम तक हमारे पास चल जाती है क्योंकि हमें इसकी थोड़ी सी क्वान्टिटी लेकर अप्लाई करनी होती है। तो इसकी गाइस इसकी जो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी यूज़ भी नहीं होती क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी सेम जो तिब्बत क्रीम हमने
नहीं कभी यूज़ किया आप लोगों ने भी, तो आप लोगों को याद हो जिस तरह की उसकी कंसिस्टेंसी सेम जो है ना इसकी, उस तरह की कंसिस्टेंसी है, थोड़ी थिक फॉर्म में है लेकिन जो हमारी स्किन की तरफ अप्लाई करने से इजीली ब्लेंड हो जाती है, स्किन की तरफ अब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों को इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, तो आप लोग अगर अपने पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं, एक्ने है, एक्ने के स्पॉट्स हो रहे हैं, कुछ ऐसा इशू हो रहा है, तो आप लोग इसको ईजिली अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन है तो इसके साइड इफेक्ट्स होते भी नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 10 सेकंड लगते हैं आप लोगों को अपने स्किन के अंदर बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाती है, तो आप लोग बिल्कुल दस दिन बिल्कुल ग्रीसीनेस नहीं है, कोई भी वाइट कास्ट नहीं है, ऑयलीनेस नहीं है, तो हमारी स्किन के बिल्कुल ही अब्जॉर्ब हो जाती है कुछ इस तरह से। हाँ जी, तो गाइस हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों ने इस क्रीम को प्रॉपरली यूज़ किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने कोई भी अच्छा सा फेस वॉश या क्लींजर ले लेना है जिसको यूज़ करते हुए आपने अपने फेस को पहले वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रही हूँ हमारे पास है जी ए क्लियर एंटी एक्नी फेस वॉश, ये बहुत ही अमेजिकली वर्क करते हैं हमारे एक्नी को ट्रीट करने के लिए और डार्क स्पॉट्स के लिए भी। तो लेकिन आप लोगों के पास जो भी क्लींजर अवेलेबल है आप लोग उसको यूज़ करते अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो उसके बाद जी आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने टोनर यूज़ करना है अपने फेस के ऊपर। बेसिकली ये स्टेप आप लोग स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे हमारी स्किन काफ़ी तो हाइड्रेट हो जाती है। तो ये स्टेप कर लेने के बाद अपने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेना है, मींस कि आप लोगों ने बेसिक स्किन केयर रूटीन जैसे आप फॉलो करते हैं आप लोगों ने वही सारे स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ डर्माइव का मॉइस्चराइजर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसको यूज़ किया हुआ था इस क्रीम के साथ तो बहुत से अमेजिंग रिजल्ट्स मिले मुझे। इसके अलावा अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो आप लोग ये निविया सॉफ्ट क्रीम भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स कर लेने के बाद आप लोगों ने जो क्रीम है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेनी है डॉट डॉट करके। उसके बाद जो आप लोगों ने इसको 5 मिनट देने हैं मसाज करने के लिए अपने फेस के अंदर बिल्कुल अब्जॉर्ब करना है। यही मैथड इस क्रीम के पंपलेट जो है साथ मैंशन है उसके ऊपर भी यही मैथड दिया गया कि आप लोगों ने इसको क्रीम को 5 मिनट अपनी स्किन को मसाज करना है ताकि वो हमारी स्किन के अंदर बिल्कुल अच्छे से जज़ब हो जाए। तो यही मेथड अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इस क्रीम का मैंने तकरीबन एक पूरा पैक जो खत्म कर लिया था, मैंने सेकंड परचेज किया, इसको भी यूज़ करते मुझे 5 से 6 दिन होने वाले हैं। तो बहुत अमेजिंग क्रीम है, इसके ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट्स मुझे देखने को नहीं मिले बिकॉज ये होम्योपैथिक क्रीम है तो इसके ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आप लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, आप टीन एजर्स हैं, आप लोगों की एज 20+ है, 30+ है, जिस भी एज के लोग इसको यूज़ करना चाहें तो वो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इस क्रीम को गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं, बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बॉयज़ के फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्नी हो रही होती है, वो उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते उसका, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट काम करती है। इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में उन लोगों को लाजमी तौर पर भी ट्राई करनी चाहिए। और लास्ट में आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ, आप लोग इसको क्रीम को नाइट टाइम में भी अप्लाई कर सकते हैं और डे टाइम में भी, लेकिन डे टाइम में आप लोगों ने इसके ऊपर क्रीम को अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने लास्ट पे सन ब्लॉक लाजमी तौर पर अप्लाई करना है। हाँ जी, तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, होप सो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। ऐसा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और आप लोग मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जी अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ जो किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।